नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ रिशु चौधरी। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर। पाकिस्तान में बड़ा उलटफेर, जिन सीटों पर आगे थी इमरान की पार्टी वहां नवाज की पार्टी को बढ़त। हैदराबाद के फूड डिलीवरी बॉय ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार। जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले राम गोपाल यादव, फर्क नहीं पड़ता कौन कहां जा रहा है। हल्द्वानी हिंसा में बनभूलपुरा में 4 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। मुंबई हत्याकांड में पोस्टमार्टम के बाद अभिषेक घोसालकर का शव उनके घर लाया गया। छत्तीसगढ़ से आज शुक्रवार को सरकार बजट पेश करेगी। हरियाणा के सीएम अपनी कैबिनेट के साथ राम मंदिर दर्शन को जाएंगे। पीएम मोदी आज ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट में हिस्सा लेंगे। लैंड फॉर जॉब केस में राबड़ी मीसा भाटी की आज हाउस एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। जामनगर के मोती खावड़ी में रिलायंस मॉल में लगी आग, कोई हताहत नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी 24।